संस्थान का नाम आर्ट ऑफ लिविंग है। जी पहले जो हमारी संस्थान का नाम यहाँ इंडिया में होता था, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग अब इसलिए कर लिया क्योंकि दुनिया भर में 196 196 कंट्रीज में शाखाएं हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, जी और वही नाम दुनिया भर में था। तो आर्ट संस्थान का नाम भारत में भी अभी आर्ट ऑफ लिविंग है, जी पर पहले व्यक्ति विकास केंद्र जी संस्थान का नाम था हमारी। और नाम ही अपने आप में एक मैसेज है, जी व्यक्ति विकास केंद्र, व्यक्तियों का विकास, जी क्योंकि समाज का विकास व्यक्तियों के विकास से ही संभव है। एक एक व्यक्तियों को तनाव मुक्त करना, उनकी पूर्ण क्षमता में वो जीवन को जी सके, एक खुशहाल जीवन जी सके, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जी सुदर्शन क्रिया के माध्यम से। जी इसका मुख्य केंद्र कहाँ है संस्था का? बेंगलुरु में अपना मुख्य केंद्र है, जी बेंगलुरु में अपना हेडक्वार्टर्स जो है जी वो बेंगलुरु में। और बाकी अदर स्टेट्स में जैसे यहाँ पे हिमाचल में? अपने कांगड़ा में भी अपना आश्रम है, कांगड़ा में एक बहुत सुंदर केंद्र बन रहा है, जी पालमपुर के पास पड़ता है, जी वहाँ भी है। और केंद्र अपने सेंटर तो टीचर्स अपने 30,000 के आसपास शिक्षक हैं, जी जो कि भारत के लगभग हर जिले में इस समय टीचर्स हैं, अपने सेंटर्स हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया शिविर हैप्पीनेस प्रोग्राम के नाम से होता है, जी पूरे देश भर में चलते हैं। तो तीन कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन संपर्क कर सकते हैं और कैसे हैं? सभी के लिए भैया, जी सभी आर्ट ऑफ लिविंग आप देखोगे 50 से ज़्यादा अपने कार्यक्रम हैं, जी और हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए। जी अपना शिविर जेलों में अपने शिविर चलते हैं, गांवों में अपने शिविर चलते हैं, नशा मुक्ति के लिए अपने शिविर चलते हैं, जी और ये किसानों के लिए प्रकृति प्रकृति खेती किसान कैसे कर सकते हैं उसके लिए अपने शिविर चलते हैं। जी तो कैसे एक गुरुदेव ने 50 से ज़्यादा कार्यक्रम डिज़ाइन किए हैं, और एक ही विजन है आर्ट ऑफ लिविंग का, हर चेहरे पे मुस्कुराहट लाना जी और एक दिव्य और अच्छे समाज का निर्माण करना, जी ये है। और सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया भर में। तो कैसे संपर्क कैसे करें लोग आपसे, माध्यम क्या है? अपना पालमपुर में भी सेंटर है, जी टीचर्स हैं। अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पे आप जा सारे सेंटर्स की जानकारी अपनी www.artoflivingorg जी अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ यस जाएंगे, जिस भी सेंटर का नाम डालेंगे जी वहाँ का आपको संपर्क सूत्र वहाँ से मिल जाएगा। हर जिले में जो सेंटर है उसका आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप आज दुर्गा माता मंदिर गढ़लों में आए और जो पाठ किया, तो कैसा सर यहाँ महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किया। एक अच्छा देखिए, हिमाचल देवभूमि है, जी यहाँ देवता भी आप देखिए, सब देवी देवता एक जागृत रूप में आपको दिखाई देंगे, जी देवी देवता आपको संदेश देते हैं, सीधे सीधे बताते हैं। और यहाँ की हवा में वो एक भक्ति है, प्रेम है, पर उस पर अभी आप देखो समय के साथ जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है तो नशा भी इधर एक परेशानी के रूप में आ रहा जी है। खाने पीने में भी पहले यहाँ रोग नहीं हुआ करते थे, अब रोग भी लोगों के जीवन में दिखने लगे हैं। पर आज जो हमने यहाँ रुद्राभिषेक मंदिर में बैठ के किया और वो गांव का जो माहौल हुआ, भक्ति की जो लहर उठी, देखिए पूजा के बाद घंटे भर तक लोग भक्ति के गीत गाते रहे, जी बहुत दिव्य एक माहौल बन गया, जी बहुत सुंदर सबको अनुभव रहा। हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर? हिमाचल के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है, उसके लिए हम भाग्यशाली महसूस करें। जी आपके पास जो वातावरण है, जो हवा है, आपके पास जो दिव्यता है यहाँ पर, जो हवा हवा में, जो कण कण में यहाँ देवताओं का वास है, उसके लिए हम उसको रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए हम धन्यभागी महसूस करें। और जो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे समाज में आ रही है उनको आप उखाड़ के बाहर फेंकें, जी सब लोग आप मिलके ये करिए, नशे को आप अपने गांव गांव से मिटा दीजिए। जी मैं देखता हूँ इतना शराब की दुकानें और ड्रग्स का भी मुझे अब यहाँ परेशानियों का पता चलता है, जी ये इससे दिल दुखी होता है, ये नहीं होना चाहिए। देव भूमि हिमाचल नशे से, तनाव से, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। आप सर अपना नाम बताएं और आप किस केंद्र में ज्यादातर मिलते हैं? मेरा नाम अनुराग है, जी मैं पहले पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा, जी अमेरिका में मैं था, जी पिछले 18 साल से गुरुदेव ने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में पूर्णकालीन शिक्षक हूँ, जी और वृंदावन में मेरा एक आवास है, वहाँ पर मैं वृंदावन में रहता हूँ, जी वहाँ पर कोसी कला में हमारा आश्रम भी है, तो उसकी देखरेख भी करता हूँ प्लस वृंदावन में। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।